250 से 250 LPH तक है ये, और काफ़ी अच्छा और बड़ा मेजरमेंट फ्लो टेस्टिंग है। हाइड्रोलिक टर्बाइन व्हील एंड रिच ये आप कर सकते हैं। पे हम लोग देखेंगे बर्नौली थ्योरम कैसे कार्य करता है। सेम प्रोसेस इसमें भी है, मोटर वहाँ नीचे ये देखिए, यहाँ से वाटर ऊपर की ओर आएगा, फिर बारी बारी से इसमें ऊपर नीचे ये फ्लो चेक हो जाएगा वाटर का लेवल। इसको ब्रिज स्टोन बोलते हैं, ब्रिज, ये ब्रिज नुमा है और यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। फिर ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये है रेनॉल्ड्स नंबर केट सील, ये काफ़ी अच्छा कार्य करता है। ये देखिए, इसमें कोई उतना बताने लायक नहीं है लेकिन मेजरमेंट किया जाता है, सीखना बहुत जरूरी। ये वॉर्टेक्स ट्यूब ऑपरेटर्स और रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रेसिप्रोकेटिंग पंप यहाँ पे आप देखिए, मीटर लगा हुआ है, प्रेशर गेज, ये LVEN KG पर सेंटीमीटर, ये 0 से लेकर 200 होता है, और यहाँ मीटर ये लगे हुए हैं, ये वाल्व है यहाँ पर, ये सारा कुछ देख सकते हैं। ये मोटर है इसमें भी, और इस तरह से ये घूमता है, देखिए। तो आपने ये सारा कुछ देखा, और ये समरसेबल पंप है, इसका कैलकुलेशन मेजरमेंट सारा कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इसमें पानी भरा रहता है और इसी के सहारे, मोटर के सहारे ऊपर की ओर आता है, फिर उधर से इस साइड से नीचे आता है। इसमें कितना टाइम कैलकुलेशन लगता है उसको निकाला जाता है। ये है गियर पंप, गियर पंप, और इसको भी देख लीजिए जल्दी से, और ये देखिए सब कुछ सब वही सेम प्रोसेस है। फ्लूइड मैकेनिक्स में मोटर पानी खींचेगा, मेजरमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या कार्य होता है उसको सीखेंगे। और ये एक ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो देखिए में भी सेम प्रोसेस है, इसका जो पावर स्टेबलाइजर है वो बहुत तगड़ा है, एम्पियर वोल्ट दर्शा रहा है, और एम्पियर जो है 0 से 5 और 0 से 200 वोल्ट है ये बता रहा है। मोटर आप देख ही सकते हैं, 1500 से 100 लीटर, 230, ये सारा चीज़ यहाँ दर्शाया गया है। पानी इसमें भरा पड़ा है। तो इस तरह से आपने पूरा FM लैब देख लिया, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यह FM लैब है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कौन सा लैब देखना चाहते हैं और क्या क्या जानना चाहते हैं। यह हाइड्रोलिक टर्बाइन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बारी बारी से मैं सब आपको दिखा दिया। इसके लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।